कल की महापौर परिषद की बैठक में जब दिलीप शर्मा द्वारा अपनी ही परिषद के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए तो उस मामले को इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे माहौल में वे काम नहीं कर पाएंगी। उल्लेखनीय है कि मालिनी गौड़ द्वारा इंदौर को न केवल स्वच्छ भारत में सबसे पहले स्थान पर 2 वर्ष तक लगातार स्थान दिलवाया गया है, बल्कि इस साल भी यही संभावना है कि फिर से स्वच्छ इंदौर में इंदौर बाजी मारेगा। जी हाँ, कुल मिलाकर कल का मामला बेहद गर्मा रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी गर्माहट आ गई है। कुल मिलाकर इंदौर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि वे भोपाल में वरिष्ठ नेताओं को इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं और संभव है कि दिलीप शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।